नमस्कार, बीसी न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। हिंदुओं के कट्टर समर्थक और समाज सेवी आरएस वाली व दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की अध्यक्ष पारुल गुप्ता व फाउंडर संध्या सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ गाजियाबाद की डासना स्थित शिव शक्ति धाम मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने यति नरसिंहानंद सरस्वती स्वामी से मुलाकात की। आर एस बाली और संध्या सिंह व पारुल गुप्ता और उनके सहयोगियों ने मंदिर में चल रहे भंडारे का आनंद लिया। उसके बाद यति नरसिंहानंद सरस्वती से मिलकर चर्चाएं की। मीडिया से रूबरू होकर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने बताया कि जिस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से हिंदुओं को समझाने की मुहिम चला रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर अब भी हिंदू नहीं समझते तो आगे जाकर उन्हें पछताना पड़ेगा। इसी बीच आर एस वाली ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि यति नरसिंहानंद सरस्वती स्वामी से हम काफी समय से जुड़े हुए हैं। स्वामी जी जहाँ जहाँ हमें बुलाएंगे हम वहाँ वहाँ मौजूद होंगे। वही दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की फाउंडर संध्या सिंह ने स्वामी जी से मिलकर उनकी तारीफ की और कहा कि यति नरसिंहानंद सरस्वती और आर एस बाली जी को जो काम कर रहे हैं वह बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि हम भी अपनी संस्था के तहत उनका साथ देते रहेंगे और लोगों को समझाने का काम करेंगे। इसलिए हमने अपनी संस्था का नाम दुर्गा सप्तशती यानी कि दुर्गा माँ के नाम से रखा है। काफी समय तक बैठक चलने के बाद हिंदुओं के कट्टर समर्थक और समाज सेवी आर एस बाली के साथ बाबा कमांडो बल्ली भाई आदि लोग उपस्थित रहे। वही दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन के अध्यक्ष व फाउंडर के साथ भी उनके कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया के सामने और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। स्वामी जी से मिलने के लिए काफी टाइम से सोच रही थी कि मैं स्वामी जी से मिलूं जाके, क्योंकि वो उन्होंने जो मुहिम चला रखी है हिंदुओं को एक करने के लिए और हिंदुओं को मजबूत बनाने के लिए, तो मैं इनसे मिलना जरूर चाहती थी, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा हिंदू बहुत कमज़ोर पड़ रहे हैं। जैसा कि अभी आपने अभी स्वामी जी ने बताया कि हिंदुओं की कमज़ोरी का कारण क्या है, तो मेरा यही संदेश मैं देना चाहती हूँ कि अगर वो लोग वार करेंगे तो हमें भी अपनी एक आर्मी तैयार करनी पड़ेगी, हर एक बच्चे को मजबूत बनाना पड़ेगा, और जिस तरह से भी हम उसको मजबूत बना सकते हैं हम बनाएं, क्योंकि अगले 20 साल में हम वो नहीं होने देना चाहते हैं कि जो हमें लग रहा है कि वो होगा। हम 20 सालों में हम कुछ भी बदल सकते हैं, कुछ भी रोक सकते हैं। जब पहले रानी लक्ष्मीबाई आई थी, पद्मावती आई थी, तो आज की भी लड़की रानी पद्मावती और लक्ष्मीबाई बन सकती हैं, जो अपने अपने लिए खुद की रक्षा कर सकती हैं। तो मैं एक महिला शक्ति के लिए काम करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हर महिला को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो आँखों में आँखें डाल के सामने कोई मुस्लिम भी खड़ा हो तो वो उसके सामने सर झुका ले। तो आपकी सप्तशती फाउंडेशन भी इस तरीके से काम करेगी? हाँ जी, हमारी सब फाउंडेशन करती है, इसीलिए मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। मैंने अपनी एनजीओ का नाम उसी से प्रेरित होकर रखा था, क्योंकि मुझे नाम समझ नहीं आ रहा था। जब मैं पाठ कर रही थी तो मैं दिमाग में आया कि इससे अच्छा नाम मुझे कुछ नहीं मिल सकता। इसके नाम से ही लोग जो मुझसे जुड़ेंगे, जो बच्चे जुड़ेंगे, उनको इसी से प्रेरणा मिल जाएगी कि हर लड़की को, हर बच्चे को, हर बच्ची को दुर्गा बनना है। जब तक हम दुर्गा नहीं बनेंगे तब तक इस देश का कुछ अच्छा नहीं हो सकता। और आगे की क्या चर्चा हुई है सर, किस तरीके से स्वामी जी के साथ मिलकर आप काम करते हैं? आगे की चर्चा ये है, मैंने गुरु जी ने सारा बता दिया, लोहे को लोहा काटता है। मेरी जो सोच है, अगर वो मांस खाते तो हम उनके हड्डियां भी खाने के काबल हो जाएं, इतने ताकतवर हो जाएं कि उनकी हड्डियां भी चबा दें हम। ऐसे ही आगे औलादे पैदा करो। अब ज़्यादा जो पढ़ाई लिखाई कारें कोठियां ये काम नहीं आएंगी, ज़्यादा देर का खेल नहीं है, बहुत कम समय रह गया है। अगर ऐसी औलाद हम पैदा मजबूत करेंगे, उनको ये समझाएंगे कि इनको इनकी हड्डियां भी खा जाओ तुम, फिर मुकाबला होगा, नहीं तो ये पढ़ाई लिखाई ये सब यही है, कुछ नहीं है। तो ये आप अपने संगठन के माध्यम से क्या कोई मुहिम चलाएंगे? हाँ, हमने चलाई हुई, मैं तो यही समझाता हूँ। बीसीएन न्यूज के लिए ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट। देहाती फिल्मों में कॉमेडी का तड़का लगाने वाले हरिराम तूफानी उर्फ शेख चिल्ली अपनी पत्नी मोनिका तूफानी और फरजाना के साथ हापुड़ में पहुंची तो लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। छत पर बने झज्जे के माध्यम से उन्होंने भीड़ को खूब गुदगुदाया। शेख चिल्ली को देखने व साथ फोटो खिंचवाने के लिए बेताब भीड़ ने बैरिकेडिंग को भी तोड़ने की कोशिश की। हालांकि वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने मुश्किल से भीड़ को काबू किया। आपको बता दें कि आज जनपद हापुड़ में देहाती फिल्मों में कॉमेडी का मसाला लगाकर ख्याति पाने वाले हरिराम तूफानी उर्फ शेख चिल्ली तथा फिल्मों में भी उनकी पत्नी फरजाना का किरदार निभाने वाली मोनिका तूफानी व उनकी टीम एक अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए हापुड़ पहुंचे। वही भीड़ कलाकारों के साथ फोटो खिंचवाने व उनसे मिलने के चक्कर में बेकाबू हो गई।
कार्यक्रम स्थल पर की गई बैरिकेडिंग को भी तोड़ने की कोशिश होने लगी। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने भीड़ को काबू में किया। उसके बाद शेख चिल्ली ने एक अस्पताल का उद्घाटन किया, जिसके कुछ समय बाद कड़ी सुरक्षा में उन्हें रवाना किया गया। आज हमारे जो देश के मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी, उनका आज प्रणयन दिवस है, तो उसके मौके पर ये हमारे कुरैशी जी हैं, ये एक चैरिटेबल अस्पताल का उद्घाटन कर रहे हैं और मुझे भी सौभाग्य मिला इसमें आने का। मैं भी अपना पूरी टीम मेरी आई है, शीला जी हैं, रुखसाना जी हैं, जयरा जी हैं, इकबाल जी हैं और हमारे रतन जी हैं, हमारे डायरेक्टर साहब हैं, सभी हम इसलिए आए हैं कि बहुत अच्छा काम है, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी सोच है इस संस्था की। तो आज इस उद्घाटन में मान लो या उनकी श्रद्धांजलि मान लो जो भी है, हम अब्दुल कलाम जी को नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं कि हमारे देश में जितनी भी ताकत है, जितनी भी मतलब जो भी ताकत है, जो भी हमारे देश को पावर मिली हुई है, वो अब्दुल कलाम। युवाओं में, नौजवानों में जो जोश देखने को मिला, उन्हें क्या कहना चाहोगे? ये सब मेरे फैन हैं, मैंने यही कमाया है और सब मेरे फैन हैं। इस बच्चा जो अच्छा, ये मेरे फैन किस लिए है कि मैं पारिवारिक फिल्म बना, परिवार मेरा फिल्म देखता है, पूरा परिवार देखता है, मेरी माता बहन भाई सब एक जगह बैठ के देखते हैं। एक ऐसी फिल्म बनाता हूँ मैं और ऐसी फिल्म बनाता रहूँगा जो पूरा परिवार ऐसे ही मेरी फिल्म देखते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोनिका शर्मा है, रुखसाना। आज हाफ उड़ाना हुआ है आपका, क्या है? जी हाफ उड़ाना तो काफ़ी बार हुआ है, लेकिन जो इतने बड़े प्रोग्राम के लिए फर्स्ट टाइम आए हैं और हमें भी बहुत खुशी है कि हमारे देश के महान इंसान अब्दुल कलाम जी हैं थे, तो आज हमें भी इस बात का बहुत अफसोस है कि वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हम चाहते हैं नेक्स्ट जो भी हो वो हमारे बीच सेम अब्दुल कलाम जी जैसा बिल्कुल आना चाहिए, हम भी देखना चाहेंगे अपनी यादाश्त में। थैंक यू वेरी मच। मैडम आज हाफ उड़ाना हुआ है और बच्चों में भी, नौजवानों में जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो नमस्कार और सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ आना हुआ है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मेरे गुरुजी हरिराम तूफान और शेख चिल्ली जी की बदौलत है आज हम जो भी हैं यहाँ पर, और हम आए हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आकर, बहुत इज्जत मिल रही है, सब लोग बहुत इज्जत दे रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, और अपनी टीम के साथ आई हूँ मैं और मुझे ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में, तो शुक्रिया। थैंक यू सो मच। BCN न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। जनपद महोबा के पचपरा गांव का, जहां मंगलवार को DM का स्कॉट वाहन चालक का संतुलन बिगड़ जाने से पेड़ से टकरा गया, जिससे चालक के साथ होमगार्ड व अर्दरी घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। बताते चले, मंगलवार को जिलाधिकारी स्कॉट वाहन पचपरा गांव के नजदीक चालक का संतुलन बिगड़ जाने से पेड़ से वाहन टकरा गया, जिससे होमगार्ड कैलाश सुरेंद्र के साथ अर्दली राजा भैया, चालक राम नरेश व विवेक कुमार घायल हो गए। स्कॉट वाहन दुर्घटनाग्रस्त की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। यहां जिला अस्पताल में घायल कर्मियों का हालचाल पूछने के साथ उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के निर्देश दिए। BCN न्यूज के लिए महोबा से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। आइए नजर डालते हैं बिहार की खबरों की ओर। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के तिलकशबाग मोहल्ले में दो पक्षों में आपसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्ष के एक एक व्यक्ति घायल हो गए। प्रथम पक्ष के मोहम्मद अंजुम ने बताया कि दिलकशबाग से वो अपने घर पर रामपाड़ा जा रहे थे, इसी दौरान कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी और सरिया से उसके सर पर वार कर दिया, जिससे वो घायल हो गए और इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरे पक्ष के सादिक राजा ने बताया, प्रथम पक्ष के मोहम्मद अंजुम के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें वो घायल हो गया, जिसके बाद आपस में आपसी समझौता भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ मारपीट की गई। फिलहाल प्रथम पक्ष के द्वारा नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की बात कह रही है। हमको पहले वहाँ बुलाया, उसके बाद वो मेरा चैन उन छीन लिया, गला का चैन था, उसके बाद पॉकेट में 6,000 रुपया भी था, वो भी छीन लिया। उसके बाद तो घर में आया तो वहाँ पे कंप्रोमाइज वगैरह कर लिया, तो हम लोग सपोज कंप्रोमाइज कर लिए। उसके बाद वो हमको फोन करके दूसरा लड़का से फोन वही चार बजे 5 बजे करीब कंप्रोमाइज किया। उसके बाद वो हमको फोन करके बुलाया किसी और लड़का से बुला के, उसके बाद वहाँ पे 4-5 लड़का मिल के उसके बाद वो अस्तुरा लेके हमको मार दिया। उसके हम बचाने का कोशिश भी की, अंजुम मारा हमको, कहाँ पे मारा? यहाँ पे गढ़िया है ना,
दिलकश बास पेट्रोल पंप के पीछे वहीं पर। हाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद सादिक रजा। कितना आदमी मिलके मारा था? वही मारा वो अकेले, और सब आदमी वहाँ पर था। मामला हम अचानक महमूद चौक से जा रहे थे, वाहिद खान का घर का गली में से जा रहे थे, उधर से टिंकल ताबेज उसका एक बेटा सोफी और आलम, उसका चारों मिलके अचानक हमला कर दिया रड उड लेके और लकड़ी का हमला हुआ। वाहिद घर का, वाहिद खान का गली है ना, पेट्रोल पंप के पीछे। ठीक है, उसके बाद मेरे पर्स में 19,000 रुपया था, चैन था, चैन छीन लिया। कौन मारा को? आलम मारा है, मोहम्मद टिंकल और उसके बाद सोफी। इस मामले को लेके प्राथमिक दर्ज करवाया थाने में? हाँ, थाने में गए, थाने में बराबर बोले कहीं जाके सदर अस्पताल में ट्रीटमेंट करवाओ, उसके बाद आवेदन दो, तब कम कार्रवाई करेंगे। कहाँ का हीरो रहने वाला? मेरा घर का बगले का है, रामपारा का। रामपारा? हाँ, रामपारे के हैं। क्या नाम आपका? एम डी अंजुम। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।